नमस्कार दोस्तों, मैं सुचिता निगम अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ आप सबका। और मैं हमेशा की तरह आज नई सी रेसिपी लेके आई हूँ सीजनल। आज मैं बना रही हूँ भुट्टे के कटलेट, और मैंने इसको सेव करना भी बताया है किस तरीके से आप इसको बनाकर रख सकते हैं स्टीम करके, और किस तरीके से आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं। मैंने हर तरीका आपको इसमें बताया है वीडियो में, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और चारों तरफ भुट्टे ही भुट्टे दिखाई दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आज की रेसिपी जो बना रही हूँ वो है भुट्टे के कटलेट। तो मैंने इस तरीके के भुट्टे को लिया है जिसके दाने को निकाल लिया है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने ग्राइंडर में इसे दो बार मिक्सी में चला भी लिया है। तो इस तरीके से हमारे ये दाने हमें चाहिए, ये देखिए, इस तरीके से हमको ये दाने चाहिए। तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है और हम लोग सबको खाना चाहिए सीज़न में इसे। तो मैं इसी की रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने दो भुट्टे के दानों को ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारी वेजिटेबल्स को और ज़्यादा पौष्टिक हेल्दियर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर गाजर ली है जिसको ग्रेट कर लिया है, शिमला मिर्च ली है जिसको ग्रेट कर लिया है, और मैंने दो हरी मिर्च लिए हैं जिसको छोटा छोटा काट लिया है, और एक चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक को भी ग्रेट कर लिया है, और यहाँ पर हमने लिया है खूब सारा हरा धनिया। तो शुरू करें, यहाँ पर जाएगा इसको बाइंडेशन देने के लिए हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा बेसन। तो यहाँ पर मैं बेसन ज़रूरत के मुताबिक डालूँगी, जितना यूज़ हम करेंगे, क्योंकि हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो पहले मैं यहाँ पर दो चम्मच यहाँ पर बेसन मिला रही हूँ। ये क्रिस्पी बने तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए पोहे को थोड़ा सा देर भिगो कर रख लिया था, और ये अच्छे से फॉर्म में आ गए हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये मैंने इसको इसलिए डाला है, यहाँ पर आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पोहे का कर रही हूँ क्योंकि चावल का आटा इस समय अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरा दो चम्मच मैंने यहाँ पर पोहा लिया। अब इसमें जाएगा ग्रेट करा हुआ अदरक लहसुन, और जाएगा हरी मिर्च, शिमला मिर्च, और जाएगी गाजर। खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के हम इसको और ज़्यादा हेल्दियर बना देंगे। मुझे लग रहा है कि ये बर्तन जो है छोटा पड़ेगा, तो हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मुझे लग रहा है हमें थोड़ा सा और इसमें बेसन मिक्स करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर और बेसन का यूज़ करूँगी। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। सब्जियों का जो पानी था और जो इसका अपना ही मॉइस्चर था, उसी से इसको बाइंड करना है। और ये देखिए, इतनी अच्छी तरीके से ये बाइंड होने लग गया, आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये तैयार है मिश्रण हमारा। अब हम हाथों में तेल लगाएंगे, और इसको मन चाहा आप आकार आप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको टिक्की की शेप में भी बना सकते हैं, चाहे तो आपको हार्ट शेप में भी बना सकते हैं, चाहे आप इसको इस तरीके की शेप में भी बना के रख सकते हैं। मैंने इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ नहीं करा है, अगर आप चाहें तो अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बना के रखूँगी भी, इसको स्टीम करके, इसलिए मैंने अमचूर पाउडर को अवॉइड किया है। बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने इस बैटर से ये हमने इतने अभी कटलेट तैयार कर लिए हैं। ये हमने स्टीम करने के लिए अपना होममेड स्टीमर रेडी किया था, और ये भी रेडी है, स्टीम बन के बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी है। मैं यहाँ पर इसको स्टीम भी करूँगी, जिसको हम फ्रिज में रख के कुछ दिन बाद तक भी खा सकते हैं जब मन चाहेगा। इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे, और इसको ढक देंगे, और 7 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म होके रेडी है, तो हम इसको अभी फुल फ्लेम है हमारी इस पर, और हम इसको इसी स्टेज पर इसमें ये डाल देंगे। अब हम अपनी फ्लेम मीडियम करते हैं, और मीडियम फ्लेम पर ही इसको गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट अभी हुए हैं, और हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है, और एक तरफ से ये देखिए अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। अब इसी तरीके से इसको टर्न करके हम दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। और दोस्तों, इसका एक मेथड और एक और भी है फ्राई करने का तरीका, अगर हम ऑयल फ्री खाना चाहते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं इसको, तो इस तरीके से हम इसको बना लें इसी बैटर से, और ये अप्पे पैन में भी कम ऑयल में इसको हम फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, 4 पीस की मैंने शेप चेंज करी है,
और मैंने इसको इस शेप में बनाया है, लॉन्ग शेप में, और इसको भी मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए दूसरी साइड से भी जो है ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसको अभी थोड़ा सा और मैं टर्न करूँगी। तो दोस्तों ये दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो हमने एक बैच को हमने निकाल लिया है और हम अपना सेकंड बैच भी इसमें डाल देते हैं और इसी तरीके से इसको भी फ्राई कर लेंगे। और जब तक सेकंड बैच फ्राई हो रहा है तब तक हम इनको भी खोल के देख लेते हैं जो हमने स्टीम करने के लिए रखे थे। तो इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर आप परफेक्ट चाहते हैं तो आप टूथपिक लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। और आप देखिए ये बिल्कुल साफ़ आ रही है, मैंने हर एक में डाल के देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे 2 मिनट अभी और स्टीम करूँगी ताकि कोई भी अगर कच्चापन अंदर है तो वो भी अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएगा। 2 मिनट हमने इसको और पक स्टीम कर लिया है और ये अच्छे तरीके से आप देखिए, मैं एक बार और चेक कर रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल क्लीन हमारी टूथपिक निकली है और शक्ल से भी पता लग जाता है किस चीज़ का कि वो कितनी पकी है या नहीं पकी है या कुछ कच्ची है। तो दोस्तों इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और देखिए नीचे बिल्कुल भी नहीं लगे हैं, हमने जब इसको बनाया था तभी हाथ में तेल लगाया था और देखिए इसका मतलब ये कि अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अगर कुछ भी कच्चापन रहता तो इसमें नीचे इसका जो कुछ मिश्रण था वो लगा रह जाता है, चिपक जाता है। देखिए बिल्कुल क्लीन हमारी ये जो छन्नी है ये ऐसी निकली है और ये हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको थोड़ी देर ठंडा करते हैं फिर इसको हम फ्रीजर में रख देंगे और फ्रीजर में रख के आप इसको कभी भी इसको खा सकते हैं, जब भी मन करे कोई मेहमान आ जाए तुरंत डीप फ्राई करके इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी हमारे तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने सेकंड बैच बनाया था, शेप चेंज करी थी हमने, ये भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो तैयारी करते हैं इसको प्लेटिंग करने की। मैं इसको एक पीस आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से सिक चुके हैं और क्रिस्पी भी हैं क्योंकि हमने इसमें पोहे का यूज़ किया था। आप चाहें तो चावल के आटे का भी यूज़ कर लीजिएगा और सब्जियां इतनी इसमें हमने डाली हैं कि इसकी जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा दोस्तों और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको भुट्टे के कटलेट आपको कैसे लगे। तो दोस्तों ये हमने जो स्टीम वाले बना के देखे, इसको आप जो है इस तरीके का कोई भी कंटेनर ले लीजिए और इसमें हम इसको रख के फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़र में रख के आप इसको कई दिन तक रख सकते हैं, करीब 15 दिन तक ये आराम से चल जाएंगे आपके। और आप जब भी मन करे आप इसको बनाकर खा सकते हैं और कोई मेहमान आ जाए एकदम से तो भी आप इसको खिला सकते हैं। तो ये है ना बढ़िया रेसिपी, अभी भी इसका मज़ा लीजिए और कभी अचानक से आपको बनाना पड़ जाए तो भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं।